बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, शूटिंग दिस व्लॉग बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, आई वाज वेरी बिजी। एक तो काम की वजह से, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हैपनिंग्स हो रही थी लाइफ के अंदर। एक मिनाल का भी बेबी हुआ है, एंड ऐसे मिनाल को पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एसन एंड मिनाल फॉर द बेबी। एंड काम इतना ज़्यादा है क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रहा था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई डिसाइडेड कि चलो आज व्लॉग शूट करते हैं। अभी भी सो के उठा हूँ, इसलिए एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है, उसको रिवाइव करते हैं। और आज क्या होने वाला है व्लॉग में, क्या होगा गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। लेट्स गो। अच्छा जी, सो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि आज है संडे और मिनाल जो है वो आई हुई है अपनी मम्मा के यहाँ, मतलब कि आप हमारे घर से बहुत करीब, एमन के, एमन भी वहीं पे ही, आज एमन ने भी वहीं स्टे किया है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ इन लोगों को बना के खिलाया जाए और कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी हो जाएगी। भी हम बाहर नहीं जा सकते ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मिनाल एंड हसन, जो कि वो अभी बहुत छोटा है। सो मैंने सोचा कि आज मैं इन लोगों को अपनी तरफ से एक सरप्राइज देता हूँ, एक गिफ्ट देता हूँ इनको, बारबेक्यू जो टीज है जिसमें मेरी वो मैं इनको बना के खिलाता हूँ। बारबेक्यू में भी बहुत सारी चीजें, चिकन वगैरह तो मैं बना चुका हूँ पहले भी। भाई सर्दी आई हुई है, ठंड हो गई है कराची में। अभी व्लॉग रिकॉर्ड करवाता तो एक लड़का आया। हाँ भाई, दो तीन लोग आए, पता नहीं क्या कह रहे जी। अस्सलाम मिलो, क्या आप लोग आ रहे थे तो दो तीन दिन बजाइए। चलो आओ, बाहर आ रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी गाड़ी, थोड़ा मैं ऐसे कर लूँ, आ रहा हूँ बाहर। आ रहा हूँ, कहाँ से आए हो? मैं नॉर्थ बंगाल। और आप? मैं लांडी से आया हूँ। तो कब से आए हो? हम लोग कल भी आए थे, अभी 12 बजे से आए हैं। सुबह 12 बजे से आए हो? अभी क्या हो रहा है टाइम? 3:30 हो रहे हैं जी, जी। तो 3 घंटे बैल क्यों नहीं बजाई? अरे यार भाई, उठा देते यार, फैन है तो कोई बात नहीं, इंतजार कर ले। लव यू भाई। आपका क्या नाम है? काशान। काशान क्या करते हो? मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा, अभी व्लॉग शुरू किया। अच्छा यार काश, किस नाम से तुम्हारा यूट्यूब चैनल? काशान 1.2.0। ओए होए, पूरी पूरी प्रमोशन कर दी तुमने तो। और आप क्या करते हो भाई? मैं भी बस यूट्यूब बनाता हूं, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट। मेडिकल के स्टूडेंट हो, चलो बेस्ट ऑफ लक यार, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आओ तस्वीर ले लेते हैं। बच्चे जो हैं वो अभी जा चुके हैं। अच्छा यार, मेरी हमेशा से जो है ना एक आदत है, मेरे घर पे, घर के दरवाजे पे कोई मुझसे मिलने आया ना, तो अगर मैं सो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैं उठ भी जाता हूँ, खाना भी खा रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। ये कोई मैं अच्छा ही नहीं बयान कर रहा, लेकिन ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जो आवाम है, जो लोग हैं जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, ये बड़ा हमसे प्यार करते हैं। आप लोग भी जो व्यूवर्स हैं हमसे प्यार करते हैं, और आप हैं तो हम हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल एहतराम है तो मेरे लोग हैं, मेरी आवाम है, मेरे व्यूअर्स हैं, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हैं। तो उनके लिए खाना भी छोड़ना पड़े, सो रहे हैं, उठना भी पड़े तो कोई मसला नहीं है। अब अम्मी है, अम्मी ने सोचा होगा कि बेचारा सो रहा है, असल में 2 दिन से मैं सोया हुआ नहीं था काम की वजह से, तो वो अम्मी ने सुबह नहीं उठाया। खैर एनीवेज, सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी इस वक्त मार्केट। ठंड आ चुकी है, मैंने पहले बताया कल रात में थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही थी भाई, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार कुछ फिश और सी फूड के अंदर ट्राई करते हैं। सो अभी मैंने सोचा कि मैं जाके फिश लेकर आऊं और बनाए हम फिश टिक्का, और साथ हम करें ग्रिल प्रॉन, साथ कुछ ड्रमस्टिक्स। मार्केट में बहुत रश लगा होगा, बिल्कुल जोबन पे होगी अपनी मार्केट, क्योंकि एक तो आज संडे है और संडे और पहली ठंड पड़ी है कराची में, तरसे में कराची वाले हम लोग सर्दी के लिए। सो वो चलते हैं जाके देकर आते हैं, उसके साथ फिर ग्रोसरी भी करनी पड़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है। एटीएम जो है वो मैंने कर लिया है, एटीएम बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। लास्ट ईयर जब मैंने फिश ली थी तो मुझे याद है कि उस टाइम पे ही बहुत महंगी थी, और उस टाइम पे तो डॉलर भी 200 सवा 200 का था। आज पता नहीं मछली का क्या रेट होने वाला है, तो है भी संडे और पहली ठंड आई हुई है, तो जब पहली सर्दी होती है तो फिश के जो रेट होते हैं ना वो बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ मार्केट वालों ने खुद बढ़ाए भी होते हैं। तो अभी चलते हैं जाके देखते हैं क्या सीन है फिश का और प्रॉन्स का और चिकन का। सो लेट्स गो। तो आ गए हैं इस वक्त मार्केट, और मार्केट में तो बहुत रश लगा हुआ है भैया। मिल गई। चलो जी, फाइनली वी आर हियर इन द मार्केट। ये क्या है? मुला। अच्छा माशाल्लाह, फ्रिज को लगता है कोई 3 साल पहले जब लिया था उस वक्त से साफ नहीं किया अंदर से, हाँ ऐसे ही है। अच्छा कहाँ अंदर छुपा के लगी हुई, कारून का खजाना बनाया। ये कौन सी मछली जो अभी निकाली है? फ्रेश खोपरा, ये तो कोकोनट। नरम गोश्त नहीं चाहिए ना यार, सख्त चाहिए, सख्त। इतनी अंदर रखी हुई इसका मतलब बहुत पुरानी है भाई, लगती नहीं है ये, बहुत पुरानी है। जो जितनी चीजें लग जा रही है ना, इसका मतलब ये बहुत पुराना माल लगाया है तुम लोगों। हाँ, और ये फ्रोज है, फ्रीज हुई होगी पूरी अंदर। नहीं भाई, ये तो बहुत पुरानी है यार, ये नहीं। ये कितना, क्या किलो का दाना ये? मुल्ला तुझे मिलूं? रुक जा आ रहा हूँ।
सबको यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे हो। हाँ ना, हाथ ला दे, पैसे ही दो डबल करके बताएगा ना। हाँ दिखाओ, भाई नहीं है अबू है। लो भाई अबू खुश हो जाएंगे। देना यार सही सही रेट लगा, सही सही रेट लगा यार। अच्छा कितने हो जाएंगे फिर इसके बाद? 500 तो तुमने बताए हैं ना, 550। चल बस 400 के हिसाब से दे, अच्छा तो दाना निकल। ठीक है, क्यों खरीदारी में माना करो बात को। 400 एक दे देना बस। सही है, सही है यार, ये नहीं करो यार, सही वाला है। 500 नहीं छोड़ दे, ये है ना अपनी मछली लेना भी भाई एक आर्ट है, कला है। ओह माय गॉड, अगर किसी को मछली की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना तो उसके साथ बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग करते क्या है कि आपको बोलते हैं कि ये फलानी मछली है, फलानी है, और आपको चिपका देते हैं दूसरे मार्केट। थिंक नॉर्मल रूटीन है, आप भी बोलेंगे फलानी मछली, फलानी मछली एक्सपेंसिव वाली, और फिर आपको वो उसकी उसी जैसी शक्ल की दूसरी दे देते हैं। एक ही मैंने ली है घर के लिए, थोड़ी सी नॉर्मल आने वाने के लिए। और खून निकल रहा हो तो उसका मतलब फ्रेश होती है ना भाई। बारबेक्यू करना है इसका ना, मोटी के हिसाब से बनाना। ठीक है, 2.25 किलो है। पहले वाला कितना था? खग्गा कितना था? बड़ा वाला 3.5 किलो आधा पाव। फिश जो है वो रेडी हो रही है, हम बैठे हैं हॉट सीट के ऊपर। ये साइड है बेहतरीन, ये साइड सीट पे लग जाएगा। लाओ भाई 2940। हिसाब करना भी भाई बड़ा आर्ट है। नहीं 2 किलो का पीस निकाल दे बस, इसी में से डालेगा ना तू पुराना पीस। इसी में से निकाल भाई, इसी में से निकाल, इसी में से निकाल, इसी में से निकाल, इसी में से निकाल। हाँ शाबाश, कितने हो गए? हो गए 2 kg। फेमस कर बड़ा, आज कैसे रह रहे माशाल्लाह, शाबाश, निकाल निकाल निकाल। आज हाथ तो नीचे कर इधर। मेरा मामा तो भाई हमारे पास आए, हमारे बहुत शौक होता था बच्चे का हमेशा अक्सर ये ले जाते हमारे से। तुम हटाई दो, हाँ तो सफाई सही हो जाएगी। वो प्रॉन टेम्पूरा में जो है ना वो तुम छोड़ते हैं, ये बारबेक्यू में तो जाने दो। कोशिश देखो और कौन बनवा रहा है भाई? अरे अंकल मुर्गी चिकन मटन वटन सब छोड़ के खरगोश। अच्छा उस पे बेहतर होता है खरगोश, इसमें यार कट भी लगाने हो तिक्के वाले जो कट होते हैं ना। 1 घंटा हो गया मार्केट में आए हुए, अभी तक जो है वो फ्री नहीं हो यार। इतना टफ है क्योंकि मछली बनवाना लेना और फिर बनवाना एक पूरा प्रोसेस है, और आप को ऐसा नहीं सकता कि आप छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आप छोड़ के चले जाएं तो आप समझो चले गए, फिर वो अपने हिसाब से बनाएंगे। मीन वाइल मैंने वहाँ से ड्रम स्टिक्स ले ली हैं, सब चीज़ें कर ली हैं, बस अब चलते हैं फटाफट। मैं तो खुद सर घूम गया मेरा, हर जगह से कहीं से मुर्गी की आवाज़, कहीं से हाँ भाई ले लो आ। मार्केट भी एक अलग ही चीज़ होती है यार, मार्केट मतलब मार्केट मार्केट वाले खासतौर पर संडे वाले दिन। रेट अपना ज़रा सही लगाना हमारा स्पेशल, ये पूरे पूरे निकाले कैलकुलेशन चेक की भाई की। मैं एक एक करके चीज़ें लेता हूँ, देखिए आके वापस आके गाड़ी में जो है ना वो रख लेता हूँ। उसका ये होता है कि हाथों में आपके मछली ले ली है, दोनों मछलियाँ आ गई, फिश आ गई, ये बीफ कीमा आ गया, और ये चिकन आ गई। जो प्रॉन्स हैं वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्लीन करना पड़ता है, तो वो रेडी हो रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अभी और? आप यहीं खड़े हो ना जी? नहीं नहीं क्या कर लो, नोट कर लो। चलो कर लिया, 5 बजने में 7 मिनट। भाई सर्दियाँ जब भी आती हैं तो जो सर्दियों की सौगात होती है वो चिलगोज़े फिश प्रॉन्स वगैरह होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कुछ भी करें आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो होती है मूँगफली। अब आए हैं तो बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं रात में, तो अगर साथ पीनट्स होंगे मूँगफली होगी तो मज़ा आएगा। ओए ओए अंकल चाचा रेट सही देना, क्या हिसाब दे रहे हो? 300 रुपये पाओ? ये कौन सी कहाँ से आई है भाई, नॉर्वे से आई है क्या? पारा चिनार तो है, लेकिन पारा चिनार 150 रुपये पिछले साल सर्दियों के अंदर, पिछले साल 150-200 रुपये वो हमारा लाला पठान हमें देता है 200 रुपये पाओ। बेहतरीन सही सही लगाओ ना यार, आधा किलो दे दो 500 रुपये 500। नहीं नहीं किलो क्या करनी, मैंने बेचनी है। चलो दे दो दे दो, आधा किलो ये लें। शुक्रिया थैंक यू। चलो भाई मूँगफली भी आ गई यार। मार्केट में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ी से बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक गुजरा मैं डेट शॉप से खजूरें रखी हुई थी, तो मैंने सोचा खजूरें भी ले लेते घर के लिए, अजवा कुछ। चलो भाई कर दो,
ये जो खजूर है वैसे मैं मेरे पास मैं खाता हूँ शौक से, देखिए ये जो स्पेशल खजूर है अजवा ये मैंने लिए मिनाल के लिए ताकि इस टाइम पे जरा थोड़ा देवी हुआ है तो खजूर जो है उसके अंदर बड़ी शिफा भी होती है और बड़ी जान होती है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। मैंने भाई हो गए चाचा ने भाई टाइम पे कर दी 5 मिनट में। ओ हो 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 1 से 1.5 घंटा फाइनली 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 भाई मार्केट से निकल गए। अब और वेजिटेबल्स लेने लगी, चलो वेजिटेबल्स तो कहीं से भी मिल जाती हैं, अच्छी मिलती हैं। सो अब हम जाएंगे थोड़ा सा मार्ट और वहाँ से लेने हैं मसाले लेने में। अच्छा मसाला भी जो इस दफ़ा एमन के घर पे लग रहा है क्योंकि एमन गई हुई है अपनी मम्मा के यहाँ रहने के लिए क्योंकि बिलाल वहाँ आई हुई है कि फिर वहीं चल के जब बनाना ही वहाँ पे है तो मसाला भी वहीं लगाते हैं। इतनी मेहनत होती है चीज़ें जमा करने में, कुछ जगहों से कुछ मिलता है फिर इधर घूमना फिरना, एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है, चलो मज़ा भी आता है। संडे आज का लेकिन बड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है भाई। हमजा लीमू बड़ा ना लीमू आ रहा हूँ। तो फाइनली आ गए हैं घर और घर तो नहीं आए ससुराल आए, यहाँ पे नीचे जो है वो जो भी गोश्त वगैरह सबकी सफाई हो रही है और अमल मुझे लेकर आई है ऊपर दिखाने के लिए कि बारबेक्यू पार्टी कहाँ करनी है। I think let's go home. No. Yes. Oh. हम डाल रहा हूँ उसमें और लगा के छोड़ रहे ताकि क्योंकि ठीक है वो काम की वो मगर। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब बल्कि हो चुकी है और हैंड्स वगैरह वॉश करके मैं आ गया हूँ मसाला लगाने के लिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो मुझे याद हो गए मसाले जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो पहले ही डाला हुआ था। अच्छा उसकी सिमिलैरिटीज है बहुत सारी, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं योगर्ट। नहीं इसके पीछे रिटर्न होगा छोटा सा तंदूरी। हाँ तंदूरी है ना, हमें हेल्प कर रही है आज। ये आ गया चिकन टिक्का मसाला, सबसे आसान मसाला वैसे चिकन टिक्के का मसाला लगाना बहुत आसान है, अब तक तो मुझे याद भी हो चुका है। ये आ गया तंदूरी मसाला, थोड़ा सा ये मैं डालता हूँ हमेशा क्योंकि इस मसाले का जो टेस्ट है वो मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसे बनेगा ना आज शो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे। ये आ गया हमारा थोड़ा सा ऑयल, इसको मिक्स करेंगे और बस खत्म। ये ले ये देखें जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों मुझे लग रहा था कि चिकन टिक्के का जो मसाला है थोड़ा सा कम है, चिकन का मसाला लग चुका है। You want my help? Yes, I want your help. आजा, this is fish, और अब लगाएंगे हम फिश का मसाला। व्लॉग एक साथ एडिट कर दूंगा मैं। अच्छा एमन का जो एडिटर है वो मैं ही हूँ भाई जी। एमन की एडिटिंग जो है वो सारी मैं ही करता। ये आ गया जी फिश का मसाला। यार फिश का तो बहुत मसाला है, आई थिंक नहीं जरूरत पड़ेगी मैं दूसरा प्रॉन के मसाले के लिए। इट वोंट बी स्पाइसी, स्पाइसी तो मजा आता है खाने का, स्पाइसी के बगैर कौन सा खाना होता है। फिश का अगर इतना ज्यादा स्पाइस डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं चला जाएगा। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता। अमल कैन यू गेट लेमन फ्रॉम द किचन। ओके और अब हम थोड़ा इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसमें मैंने बहुत कम लोग ये करते हैं, मैं इसमें तंदूरी मसाला जो है वो लाजमी डालता हूँ फिश के अंदर, इससे जरा कलर भी ऐड हो जाता है। नो दही, ओनली लेमन। ओके किसी को लगता है ना कि अगर ये आसान काम है कुकिंग करना तो आके जरा एक दफा मेरे साथ एक खाली जो है ना वो डिश बनवा ले। बड़ी मेहनत लगती है यार खास तौर पे, और जब संडे वाला दिन हो तो बंदा सोचा संडे वाले दिन आराम करेंगे पूरा हफ्ता काम किया, लेकिन ये वाला जो इसका जब मजा आता है सही जब आपकी लोग तारीफ करते हैं ना आपका खाना खा के तो बड़ा मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब किसी को मेरा खाना बनाया हुआ अच्छा लगे। जी गाइस तो सीन कुछ यूं है कि भाई रात हो गई है 10 बज चुके हैं और मैं तो हूँ पूरे तरीके से तैयार जाने के लिए बारबेक्यू पार्टी में और सारी चीज़ें मसाला वगैरह लग गया था। सॉरी प्रॉन का मसाला नहीं दिखा सके क्योंकि लाइट बहुत डार्क हो गई थी और आगे से मिरल ने वहाँ पे अंदर रोना शुरू कर दिया, अंदर मिरल भी रो रही थी हंसू भी रो रहा था हसन, तो इस वजह से वो नहीं हम कर सके, लेकिन प्रॉन का मसाला लगा दिया था बहुत अच्छा मसाला लग तो रहा है। जा रहा हूँ तैयार होकर प्रॉपर ससुराल और वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं पता क्या सीन है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं होगा, हम जाएंगे तो काम शुरू होगा। से ट्यून्ड, चलते हैं ऐसा नया हुआ बाहर मुझे पिक करने के लिए, चलते हैं।
मजा आएगा। हैरत की बात ये है कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब इस वजह से नहीं कि लाइट बंद कर दो भाई बहुत महंगी बिजली है इस वजह से नहीं कि बारबेक्यू की वजह से, हाँ ये भी एक वजह है, लेकिन इत्तेफाकन कामों में लग गया, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मिलते हैं बाहर। एहसन भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेट्स गो एसी। ओरा भाई हसन के पापा इतने काले शीशे गाड़ी के, उफ बंदा देखे पता लगे लगे कोई वारदात वाली गाड़ी है, इतने काले शीशे अंदर भी। वो बैठे हुए हसन के पापा, तैयार हो के कैसे आया? निकलने से पहले हम आ गए हैं अंदर पानी पीने के लिए। हाँ भाई मन गई भी अपनी मम्मा के रहने के लिए और मैं सिंगल जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या सिंगल यार, काम करें शूट। अच्छा ये सादा पानी होगा, मुझे ठंडा चाहिए ठंडा। ये ले बहुत ठंडा है, ये ले ये भी, वो सादा है वो छोड़ दे ये ले। ऐसा है बारबेक्यू कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे यार, बैठ के पानी पीते हैं। जल्दी चलो जी रख दूँ वरना बेगम बहुत बोलती है भाई, बहुत गर्म मचाते हो तुम। एमन असल में गई हुई है अपनी मम्मा के रहने के लिए क्योंकि मिनाल आई हुई है और अपना चल सीन है, पूरे घर में कोई नहीं है। कोई है? इतनी जोर से आवाज दी आगे से कोई जवाब नहीं है। सो फाइनली आ तो मैं गया हूँ लेकिन यहाँ पे भाई बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ अभी तक, और समझे कि इस वक्त मतलब बिल्कुल रॉ सीन है, ना कोयले जलाए हैं इन्होंने ना कुछ, और छोटी सी मीठी लोग लेकर आ गए हैं। मैं बोला भी था इसको कि बड़ी मीठी लेकर आना, लाइट थोड़ी कम है, डल है थोड़ा डिम। बारबेक्यू लाइट डिनर हम करेंगे, बस सब स्टार्ट करते हैं तैयारी भाई। तो बैठ गए हैं हम हॉट सीट के ऊपर, अभी तो खैर कोल्ड है लेकिन थोड़ी देर में बहुत हॉट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, छोटे नीचे बड़े कोयले ऊपर, उससे ये होता है क्योंकि छोटे कोयले जल्दी जल जाते हैं और बड़े कोयले थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसलिए छोटे नीचे और ऐसे एक एक करके डालेगा तो बेटा सुबह हो जाएगी। सारे डाल दे, पलट दे। यस इसको ना पहाड़ ऐसे माउंटेन का शेप दे, जैसे यूं जैसे आग नहीं लगाते ऐसे करके, यूं यूं करके लगाते हैं ऐसे करके लगा। आज मैं तेरी ट्रेनिंग भी करूंगा, इसके बाद तू अपना पायनियर कबाब हाउस खोल सकता है। शाबाश ना, बीच में डालो, साइडों में हाँ यहाँ पे बहुत पीछे हो जाओ बस, अरे पीछे हो जाओ। चलो थोड़ी देर में ये देखें कि आग जो है वो अपना काम कैसे दिखाती है। एक साइड पे जलाया और जलते पूरा जल गया। सर पैर नहीं है इस बात का, सिर्फ मैं फिलोसोफर बनने की नाकाम कोशिश कर रहा दिखाओ कोई भी नहीं आया। वह इतनी मेहनत की है मैंने पूरे दिन में और सबको मैंने टाइम दिया था 9:30 का और इस टाइम पे 10:30 हो रहे हैं, कोई भी नहीं आया, वो सब नीचे बैठे हुए बस वेट कर रहे हैं कि मुनीब भाई खाना बना के देंगे और फिर आके ऊपर खाएंगे। बुलाओ सबको, एहसन एहसन ओए भाई, आग के सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा पहली शिफ्ट जो है वो मैं लगा चुका हूँ, पसीना जो है वो मेरे माथे का जोबन बना हुआ है। पहली शिफ्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये ब्यूटीफुल वाइफ के लिए मैं निकालने लगा हूँ। थैंक यू सो मच, वाओ जूसी एंड टेस्टी प्रॉन्स एंड सम फिश फ्रॉम माय हैंड। दिस इज नॉट योर हैंड, वेरी डिलीशियस यू मीन जी, मस्त है, सो ब्यूटीफुल सो टेस्टी सो डिलीशियस। Just tasting like a wow. Just tasting like a wow with a laddu pila color. सब लेडीज वुमेन पावर लगी हुई है, मैन पावर जो है वो वेरी बैड पावर अभी अभी आई है, वो भी बैटरी लो। हाँ भाई कहाँ से आ रहे इन्फ्लुएंसर? बीच क्या हुआ था? किसके बीच में? बीच। अच्छा बीच, ऐसे वैसे मिले नहीं मिले? नहीं, पैसे के नहीं गए थे। अच्छा घूमने गए थे, चल बेटा शाबाश घूम के आगे, हाथ साफ करो, लग गया शाबाश। मेहमान खसूसी आते हैं आधे घंटे बाद गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं टेस्ट करते हैं और फिर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कहा था ना उंगलियां चाटते रह जाओगे, बहू के हाथ में जायका है। अच्छा मजे का। एक शिफ्ट और मैंने जो है ना वो ट्रायल की नजर कर दी है, मुनीब आपको बता नहीं रहा, बढ़िया मेहमानों से काम करवा रहे हैं। जैसे जैसे होते हैं पेइंग गेस्ट, इस तरह आप हैं वर्किंग गेस्ट। सीखे लगा ले ऐसे, चुपचाप सीखे लगा ले ऐसे, सीखे लगा दे, क्या हो गया आज एमन को? मैं कहता हूँ गलत साबित कर दे कि ऐसे काम नहीं करता, लगा दे ऐसे काम नहीं करता, काम नहीं करता, ये तो एमन 100% श्योर है। Guys, fish is ready. हाँ यार माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो ये आ गए हैं हमारे एक और में आया एक 11:30 बजे के बाद, वो हमारे प्लान से एक्सक्लूडेड है। ये सिर्फ उनके लिए पैकेज है जिन्होंने मेहनत की है, सुबह से काम किया है। भाई हमारे लिए है, मतलब ये तो अकेला रह जाएगा, मुझे लग रहा है इसका पहला बाइट लेते के साथ ही आपके दिल से आवाज आएगी डाडो मजो आया। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये बॉइलिंग कर रहे हैं, ये है बेसिकली मेल्टेड बटर। ये मेरा एक स्टाइल है, जब भी मैं बारबेक्यू करता हूँ तो लोग यूजली क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल या ऑयल यूज करते हैं, बट आई यूज बटर। मक्खन मलाइयाँ, वे मक्खन मलाइयाँ होते जगह पे तुम्हें बताता खाना कैसे था? Very nice. बहुत जल्दी बट रेस्टोरेंट ओपनिंग होने वाला है और आप सब जो है वहाँ बट बारबेक्यू, बट बारबेक्यू मतलब बीबीक्यू टाउन। बहुत बेहतरीन है मुनीब भाई ने सारा वन मैन आर्मी छोड़ा आज तो मुनीब भाई का। Very good. So tasty. So yummy. जी गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द डे एंड अब बस हम निकल रहे हैं, खाना खा लिया। यार क्या मजेदार बारबेक्यू हुआ है आज, मजा आ गया। वेरी प्रोडक्टिव संडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एक न्यूज़ और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हर वीक एक एपिसोड करूँगा मुनीब भट टेल्स के नाम से, जिसके अंदर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में इतनी कहानियाँ हुई हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन कहानियों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो एमबी टेल्स के नाम से बहुत जल्द हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सो वो भी आप लोग देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।